सारी चीजें कहीं कहीं संकेतात्मक रूप से सामने आ रही है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज देश का सौभाग्य था कि उस क्षेत्र में जहाँ किसानों को भेज करके और जो है आंदोलन कराया गया है, ये आएंगी बातें सामने। यहाँ क्योंकि बीजेपी ने क्लियरेंस दी थी कि इस रास्ते से जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें सुबेरे से निकल करके सामने आ चुकी है, विदेश में भी सामने आई है और इन चीजों में भी सामने आई है। इसलिए ये कह देने से कि भीड़ नहीं थी, ये कह देने से कि मुख्यमंत्री जो है वो पान खाने गया था, मुख्यमंत्री ड्राइविंग नहीं करता कि गाड़ी मोड़ ले जाओ, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं रहती है। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होती है, सड़क की सुरक्षा के लिए नहीं होती। यदि इतना भी दिमाग किसी में नहीं है तो उससे क्या डिबेट करी जाए, ये तो केवल पत्रकारों को गाली निकालने के लिए पैदा हुए। कांग्रेस तो इस समय मती भ्रष्ट हो गई है, पत्रकारों को गाली निकालने जाला उनके पास कुछ बता रहे। सर शुक्रिया, समय समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। सर अजीत जी आपका शुक्रिया, आशीष जी आपका शुक्रिया। तो देखिए गर्मा गर्म बहस देश में शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, कभी कहती है कि कुर्सियां खाली देख लौट गए, कभी कहती है कि बीजेपी और पीएम का प्रोपेगेंडा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। बहरहाल जांच होना चाहिए, क्या रिपोर्ट आती है पंजाब सरकार की ओर से ये भी देखने वाली बात होगी, और क्या जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार करती है या नहीं करती, आगे क्या पीएम मोदी का दौरा होता है पंजाब का या नहीं होता है, तमाम चीजें देखने वाली रहेंगी। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।